उठे बैठ जा तू, इसको भी आ जाएगा। ट्राई करते हैं। खाली मुझे वो पकड़ा दे प्लेट। बहुत टेस्टी बनी है। असीम भाई ये बताएं आज क्या बना के खिला रहे हैं? आज मैं आपको बना के खाऊंगा मटन कोरमा बादामी। मटन कोरमा बादामी, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। ये आप खाएंगे तो आपको मजा आएगा। अच्छा, आपको याद आ जाएगा वो अटक वाला कटवा याद आएगा। करें जायका आपको ऐसा आएगा। अच्छा, आपको अटक वाला कटवा याद आएगा। तो चलें फिर साथ साथ हमें बनाते हुए भी दिखाएंगे। हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनसे कटवाते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले डाल दिए इसमें प्याज। ठीक है, ये सही भाई जी। हमने आग जला और आज हमने इसमें जायका डाल ले। हम ना अंदाजन डाल देते हैं। ये अंदाजा ज्यादा ना हो जाए? ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, कम जरूर। ठीक है जी, ये जीरा डाल रहे हैं। ये जीरा डाल दिया। ठीक हो गया। ये जब प्याज हम भूनते हैं ना, हाँ, उसके साथ हम जीरा डाल देते हैं। जो बाहर बैठे लोग हैं ना जी, वो तो कहते हैं यार पता नहीं क्या शायद पका रहे हैं, वो मजे भी शायद पका रहे हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं डालना। ठीक है, इतना डालना कि हम इसके जो सारी जगह है ना सही से। ये हो गया जी, अदरक लहसुन भी आ गया। ये जी इसने थोड़ा थोड़ा वो इसके अंदर नरम होना है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा अभी नरम होने के लिए ना बंद भी करना है। पानी डालना है। ठीक है, पानी अभी नहीं डालना, थोड़ी देर बाद डालना। ठीक हो गया। ठीक, इसमें हमने ऑयल और सिर्फ गोश्त डाला। ठीक है, अच्छा, इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। अपनी जरूरत के मुताबिक नमक डालना है। ठीक है, कम हो गया तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कम होगा नहीं। इसके मैं खिलाफ हूँ, मसाले की डालनी जरूरी है, इसके बगैर वो टेस्ट नहीं बनेगा। नहीं, हम वो दूसरे मसाले भी डालते हैं ना, सिर्फ ये वाले। ये ऑर्गेनिक मिसाल है ना सारे, जिसको खुद पीसा जाता है। और मिर्च हमने कम डाली है तो इसलिए ये थोड़ी सी और डाल। ये दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, दड़ा मिर्च। इसे तो मुंह चाहिए तो मैंने बदवाओं नहीं देनी है। इसके साथ जायका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इलायची डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हाँ। और ये चीज़ें ठीक है। अजवाइन। अच्छा, अजवाइन है। हाँ, और साथ एक होती है कचरी। कचरी अब हमारे पास नहीं है। हाँ, जो गोश्त को थोड़ा नरम करती है, जो तो हम ये जायके के लिए ना इसी में डालेंगे डायरेक्टली। सारे ऐसे कट रहे हैं। हाँ हाँ, ये हम डाल रहे हैं अपने शौक से। सर बटर डाल रहे हैं। बटर, ये ओरिजिनल बटर है, ग्रां दा पड़िया होया। टिक्की टिक्की ना पड़िया। मैं ना, हाँ, ये सही बेस है, इसलिए हमने साथ में बटर थोड़ा सा मिला लिया। ठीक, ये
फिर और कहाँ सकते हैं। ये वो सेम भाई ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे भी काट नहीं होता ये साफ ना, थोड़ा सा नमक है तो थोड़ा सा तेज होना चाहिए ताकि उसे जाए थे है ना, ठीक है वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा हमने बस इसको ना नीचे वाली कोठियों को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे करना है। पहले नहीं काटी है, थोड़ी देखा। ये वसीम भाई को भी काम पे लगा दिया सी भाई ने, और देख रहे हैं कैसे करती है मोदी। अब जो मर्चे बस ये साबत ही ना, इसके अंदर से टक मार गया ना, इसके अंदर हमने डाल दिए कुछ मिक्स कर। अच्छा ये जो लकड़ी का चमचा है ना, हाँ हाँ, ये आप इस्तेमाल करके ना जो, ठीक है, तो ये आपका मसाला जो है ना, हाँ हाँ, ये नीचे नहीं कटता। अच्छा ये आप अगर नीचे से देखें ना ऐसे, हाँ, ये देखें, हाँ, तो आपका मसाला ये बिल्कुल उसके साथ से उतार देता है इसको। हाँ ऐसा ही है। नींबू निचोड़ है ये वसीम भाई ने अपना टास्क तो पूरा कर दिया है। आमिर खान खाने का इंतजार कर रहा है। आमिर भूख तो नहीं लगी? नहीं। मुमताज साहब आपको, मुझे तो अंदर सूंघ सूंघ के बहुत मजे की खुशबू आ रही है, बाहर नहीं आ रही? आ रही है, पर थोड़ा सा गुजारा करें। ये आप स्वीट खा रहे हैं क्या? ये हम खा रहे हैं बोटी प्लस मसाला। अच्छा इसके ऊपर मैं मुझे बोल रहा था ना, मैं कढ़ाई लिया था हमने डालने हैं पहले से। कितने अदनान साहब? धनिया अदनान साहब बदामी कढ़ाई साथ महेश भी लग गया है। ट्राई करते हैं, खाली मुझे वो पकड़ा दो प्लेट। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी है। क्या बात है? अच्छा पहला नवाला जो है उसने क्या इम्प्रेशन दिया? क्योंकि कोटेवाल जो है ना खाने के शौकीन होते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जनाब जनाब बड़ा लजीज बना है माशाल्लाह, मैं तो खुद भी बड़ा अच्छा कुक हूँ, लेकिन आप हमसे इसीलिए मुझे आपके रिव्यू चाहिए थे। जनाब जनाब नहीं मैं तो